नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। बलिया में मकर संक्रांति महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। बलिया प्रदेश के ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने रविवार को शहर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया। इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बयार बही, वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने चिवड़ा दही का आनंद भी लिया। मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश या सह संगठन महामंत्री भवानी सिंह ने कहा कि अयोध्या में निर्मित हो रहा भव्य श्री राम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति इस देश की दशा और दिशा बदलेगी। पहले की सरकारों में सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में ही गायब हो जाता था। अब यह सरकार जिस संवेदना के साथ कार्य कर रही है, जो लोग कहते थे कि धारा 370 कभी खत्म नहीं होगी, वो लोग आज कहाँ हैं। यह भाजपा ही है जिसने श्री राम मंदिर के सपने को साकार होने में अहम भूमिका निभाई है। बलिया से सबीर अहमद की रिपोर्ट। भाषा गान का कार्यक्रम और अब जो है, अब कार्यक्रम में संचालन का तरीका बदल जाए, चाहे सिटी हो, तरीका बदलेगा। सुपर फास्ट स्पीड से संचालन होगा, समय नहीं लेना है, क्योंकि कलाकारों का कार्यक्रम ज्यादा है और टाइम मेरे पास कम है। अभी कृष्ण सुधीर यादव जी शिव तांडव के लिए लगातार फरमाए, शिव तांडव की मुझसे हो रही थी कि मैं सुना दूं शिव तांडव, लेकिन इनका कार्यक्रम में लिखा हुआ है ये शिव तांडव प्रस्तुत करेंगे। संजीत यादव जी शीघ्र आए, विलंब न करें। शेखर जी का एवं राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सकलदीप राजभर जी का शुभागमन हुआ है। हम सभी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। गाजीपुर भारतीय जनता पार्टी श्री भानु प्रताप सिंह जी का आगमन हुआ है। हम सभी वंदन अभिनंदन। सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री विशाल सिंह संचर जी का आगमन हुआ है। गाजीपुर की जमानिया क्षेत्र से विधायक आदरणीय श्री बलिया भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जय प्रकाश साहू जी विराजमान है। हम सभी उनका